बहुत छोटा था तभी वो मेरे साथ में हर हमेशा यही बात बोलता था। जब वो बोलने लायक हुआ तो वही बोल रहा था कि मम्मी मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। जब वन क्लास में वो स्वामी विवेकानंद स्कूल में पढ़ रहा था तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि अभी ये मेरा छोटा बच्चा मेरा लाल जो है वो मेरे साथ रहे। लेकिन वन क्लास के बाद टू में जब वो गया तो वो मुझे बोलने लगा कि माँ मैं बड़ा स्कूल में पढ़ूंगा, मैं अच्छे स्कूल में पढ़ूंगा, मैं यहाँ नहीं पढ़ पाऊँगा। तो मुझे बहुत आंसू आता था कि मैं कैसे अपने बच्चे को बाहर भेजूँ। तो वो मुझे कहने लगा कि मम्मी मैं इस स्कूल में नहीं पढ़ूंगा, मुझे जहाँ चाचा पढ़ते हैं पटना में मुझे वहाँ पढ़ा दो, मुझे वहाँ मुझे जाना है। मैं काफ़ी रो रही थी। तो जब वो पटना जाने लगा टू क्लास में तो मैं इतना रो रही थी कि तो वो जब गाड़ी पे बैठा तो वो हमको बाय और टाटा करके वो कहने लगा कि मम्मी मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, तुम मत रो। 6 दिन और 6 रात मुझे बिस्तर पर नींद नहीं आई और तब से वो बहुत मुझे मैं कहूंगी कि अपने सभी देशवासियों और ग्रामीण वासियों को कि बच्चे जब आगे बढ़े उसका साथ दे, उसको आगे बढ़ाने के लिए हर माँ और बाबू जी को साथ रहना है। और उनकी दादी का बहुत अभिलाषा था, आज उनकी दादी रहती तो बहुत ही खुश होती। वो बोलती थी कि जो मैं अपने बेटे को नहीं बना सकूं आज मेरा पोता करके दिखा दिया। मैं सभी माताओं को कहूंगी कि अपने बच्चे को कोई ऐसा चीज न थोपे जो घर की बात हो, और कोई ऐसा बात हो उसको नहीं बोले, और अपने बच्चे को साथ दे और आगे पढ़ाने के लिए संघर्ष करके आगे बढ़ाएं, उनकी इच्छा को पूरा करें। धन्यवाद।